What's up guys, welcome back to the channel and गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। मजाक करो भैया, दुबई लाइसेंस मुझे ले जाना चाहिए था। इस बार तो मैं सोच रहा हूँ लोग के चक्कर में नहीं आना चाहिए, इतने धोखेबाज लोग घूमते हैं ना मेरे आसपास। तू ही सबसे बड़ी है। तो देन भाई जो भी नया दुबई लगा चल रहा है सब्सक्राइब कर दो, आई होप आपको दुबई ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। भैया दुबई में ना ऊपर से बेटर ये चलता है, बढ़िया वाली चीज मिली। आपको फ्री राइड चाहिए ना टेस्ला वगैरह? जाऊंगा अगर पेट्रोल या डीजल के पैसे आए तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं। मेरा बर्थडे गिफ्ट पेंडिंग है तो मैं आपको दुबई की टिकट्स दे देती। लड़की का कुछ नहीं हो सकता, गलत जगह में उठा के ले आई है। कोई बड़ा सा कैफे दिखाना था, यहाँ छोटे से कैफे में लाई। अब टैक्सी ले रहे हो भाई। दुबई में एक चीज देख ली, नाश्ता भाई सबसे अच्छा मिलता है। लंच और डिनर का पता नहीं, ब्रेकफास्ट एक नंबर, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो ये क्या है भाई, जितना धरती का मुंह है इतना बड़ा ये आ रहा है। वाह, इसमें तो भाई चार बंदे खाना खा ले। नाश्ते भी लेके जाने वाली भी तो कितनी अच्छी है दुबई। हर किसी को थोड़ी मिलती है इतनी अच्छी। तो भाई नाश्ता करके हम घर चले गए थे, घर जाके हम तैयार हो गए हैं। अभी हम लोग आ गए हैं बिजनेस पे एंड आज हम जा रहे हैं भाई कुछ क्रेजी शॉपिंग करने। मैं ना हर बार दुबई आता था, मैं सोच रहा यार नई शॉपिंग करूंगा। देन आपने से काफी लोगों ने बोला भैया आउटलेट वाले जाओ, खुद भी शॉपिंग करो और हमें भी बताओ कैसा एक्सपीरियंस होता है। ये ले शुगर के बिना भाई हर चीज, कह रहा चीनी मत डालियो। मैंने कहा इंडिया में मैं भी यही चीज करता हूँ, देखता हूँ कितने दिन चलती है ये बात। देख लो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा ना तो मैं बोलूंगा जूस दे। तू जाएगा और पैसे पूरे वसूल करेगा साथ में। बिजनेस क्लास में जाके बोलेगा जूस। भाई रोड ट्रिप के लिए निकल रहे, तो रोड ट्रिप के लिए धृति मैडम ने तैयारी पूरी कर ली। क्या लेके आये हो? फ्राइज एंड बर्गर सम गाइस। और ये बता के सही है कि नहीं है? वायरल रील डल रही है ये देख। धृति की एक रील पे 2 मिलियन क्या हो गए, सारे पूछने लग गए। ऐसा हो ही नहीं सकता दुबई आके हमारी रोड ट्रिप ना हो। कहती थी यहीं पे है मॉल, ये पता नहीं कहाँ पे आधा घंटा लेके जा रही है। तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं एंड वहाँ पे ना ब्रांच पे डिस्काउंट है, तो जितने का हम तेल फूक के जा रहे हैं अगर उतने के डिस्काउंट हमें नहीं मिला ना, फिर ये विमेन वाली बात हो जाएगी कि लड़कियाँ भाई शॉपिंग के लिए कहीं भी ले जाएगी चाहे फायदा नुकसान हो या ना हो। आप जिगड़े से शॉपिंग करोगे? जिगरा है ही नहीं भाई। भाई यहाँ पे एक एक टी शर्ट 10,000 रुपए के, मेरे में इतना जिगरा। भाई मैं यही करूँगा एक तो भाई, ये दुबई ऐसा है 8 साल हो गए अभी तक इनको रास्ते क्लियर नहीं है। अबे नए रास्ते बना देते हैं भाई, तू इधर रहेगा तेरे को भी समझ आ जाएगा। ये क्या बात हुई? अगली बार हम ड्राइविंग लाइसेंस लेता हुआ यार, ये देख क्या हो गया। अगली बार मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आऊंगा और 50,000 रुपए अलग से बजट रखूंगा चलान के लिए, बिकॉज भाई इतने चलान कट गए। सबसे पहले स्टोर में जो हम आए हैं वो है ऑल सेंट्स ब्रांड का, मुझे कुछ नहीं पता। ये हम पर्सनली बंदी साथ लेके आए, तो सारे कपड़े फाइनल करेंगे। जैसे इसका ही पजामा 685 का है, ये मतलब थोड़ी पहनूंगा मैं अपने लिए देख। अच्छा मतलब मुझे पराई बट यही है भाई, हर जगह मिनिमम 50-70% तो ऑफ है ही। कपड़ा थोड़ा सा एवरेज खास है नहीं, बट देन क्या कर सकते भाई, जो सस्ता मिल जाए वही ले लें। गाइस आपको अच्छा कॉन्टेंट दिखाऊं मैं, ट्रायल रूम में ट्राई कर रहा हूँ भाई। हम बाबरी आ गए यहाँ पे, तो डिस्काउंट वाले शोरूम में भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं लूट मच जाएगी। पैसे नहीं लाया मैं, ओए आप लेके दे, मुझे घर भी चाहिए गाड़ी भी चाहिए वो भी ले दो। ये थोड़ी लेके, ये नहीं लेके देना मुझे फ्री के नाम पे भाई, पर्स पकड़ा दे। मैं आया था डिस्काउंट वाले कपड़े लेने पे, यहाँ 36,000 की चीज 26,000 में मिल रही है। क्या लेने दो, कुछ नहीं ले रहे, चलो यहाँ से भाई। देखो टोपी देखो, 40 कितने की, 40,000 की टोपी है ये है? नहीं 1300 के 26,000। इसको गलत शोरूम में ले आए हैं, अब ये लेके निकलेगी कुछ ना कुछ, मैं इसलिए वॉलेट नहीं लेके आया। भाई लड़की साथ शॉपिंग में वॉलेट मत लेके आओ, मेरा इसके पीछे रहता ना भाई। ये तो आउटलेट वाले में भी थोड़ा पागल बनाते हैं, इतनी दूर आ गए। ये 700 की है मतलब 15,000 के आसपास, ये है 1,050 की, मतलब इतनी मैच तो मैं करने नहीं हुई। ये 24,000 भाई, ये पता नहीं नवाब है लो, 1600 की है, 34,000 रुपए की। 1600 पे 10% मिल जाएगा। अभी भी 32,000 रुपए की पड़ी है भैया, ये कह रहे डिस्काउंट के तरफ 32 की मिल जाएगी। लेकिन भाई इतना इरिटेट करती है ये बंदी, हम दुबई से आधा घंटा दूर आए हैं
इसने एक पैसा नहीं खर्चा, ना कोई शॉपिंग करी है, और मैंने एक टी शर्ट ली है बस, और कहती है मुझे भूख लग रही है, कॉफी का टाइम हो गया, कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, ये देखो ये चल रहा है। मुझे लगता है कि आपके जूस में विटामिन सी है, विटामिन चिड़चिड़ापन। तो गाइस ब्लूबेरी चीज केक आ गया, फ्रेश जूस आ गया, कॉफी आ गया। गाइस एक और कोठी बंगले वाले ब्रांड में आ गए हैं। यहाँ पे मुझे हिसाब ही नहीं समझ आता क्या है। अभी हमने अपने लिए एक टी शर्ट लिया, साथ में एक शॉर्ट्स लिए स्विमिंग के लिए। पेरिस का वीजा तो आया नहीं, टी शर्ट पहन लो। अभी हम फिर से अप्लाई करने का सोच रहे हैं। दुबई आके ना मोटिवेशन मिल जाती है यार, चलो कहीं चले दूर, मनाली कब तक जाए। ये किस चीज की शॉपिंग चल रही है मुझे ये बता दो बस। मेरी शादी में गेस्ट आएगी, अबे अनाउंसर बनाऊंगा, अनाउंस करेगी जी करण स्टेज पे आ रहे हैं, करण की बीवी स्टेज पे आ रही है। रोस्टिंग करवानी अपने अपने स्टेज पे। स्टोर है डीजल का, ये शर्ट ना मुझे काफी अच्छी लग रही है, बट अगर इसमें एक साइज छोटा होता ना मैं ले जाता। एंड ये वाली मुझे पसंद आई है, बड़ी 450 दिरहम की, मतलब 900 की थी, और ये पड़ रही है 8,500। एंड ये मुझे काफी अच्छी लगी। भाई 1,000 दिरहम के हमने शॉपिंग करी है, उसमें से हमने मुश्किल से नहीं 1,000 दिरहम तो बचा ही लिए। जो भी कहो 1,000 दिरहम बचा के हमने अभी 100 दिरहम की तो टैक्सी करी है वापसी आने में। 100 दिरहम आपको जाने में लगता है तो 200 दिरहम है। तो भाई अगर आप 3,000-4,000 दिरहम की शॉपिंग करो तब कुछ पैसे बच जाएंगे, नहीं तो भाई पैसे नहीं मजाक से हट के देख मैं पूरी बात बोल रहा हूँ भाई, ये बिजी था, इसके फैमिली वगैरह काफी आई हुई थी, तो ये उनके भी आए हुए हैं, देखना 8 या 9 लोग, उनको छोड़ के मुझे लेने आया। बट देन सीन को जैसा है ये चेक करें, बड़ी बड़ी बातें, हम्बल गाय भाई। देन मजाक से हट के जिसमें हम बैठे वो है बेंटले बेंटेगा W12। इंडिया में गिनती के कुछ लोगों के पास होगी शायद, अगर होगी बहुत ज्यादा पहले होगी। और पीछे का कैसा है ये देखो, ये बेंटले में बीच में बैठा साले, साइड पे बैठा आराम से, पूरा काउच एंजॉय कर भाई, मेरे से तो मसाज तो मिल रहा है, मसाज भाई सब कुछ है आगे। अच्छा साले पीछे खुश हो गया, साइड ये तो साइड में बटन होएगा गाइस, बटन से सेवन टाइप्स की। ओ भाई मसाज शुरू भी हो गई इंस्टेंट भाई, बहुत ज्यादा प्यारी है। अभी साइड पे बटन है बस, पीछे नहीं है, मैं क्या करूँ अब, चलता है साला। भाई आज हम एक बहुत अच्छी वीडियो शूट कर रहे हैं, बिलियनर बॉयज ऑफ दुबई सीरीज का पहला पार्ट है, एंड ही इज द बिलियनर हु सिटिंग एट द बैक। मैं कौन सा बिलियनर? ये बॉय है, बॉय है, बिलियनर इधर है। जैगन वाले को सारी गाड़ी अपनी इकट्ठी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट देन आज जो हमारी गाड़ियां हैं इकट्ठी करने में टाइम लग रहा है भाई, ऐसी है। आते हैं मेरे को सरप्राइज एकदम से देगा आपको। हम गुड़गांव में ना मैं एक कोना बताता है, ये दो दुबई के बैठे हैं, फिर भी ये दोनों दुबई वाले भाई ट्रैफिक में फंसा के फिर से ट्रैफिक। हाँ तुमने बेंटले किस लिए उड़ा के दी? ओए उड़ा के दिखा इसको, दुबई में उड़ाने वाली गाड़ी आ गई। ओए पागल है, ओए भाई पागल है, अभी लोग भाई उड़ा के दिखा भाई, बड़ा पागल आ जाएगी। घुसा दे टेस्ला के अंदर घुसा, टेस्ला के अंदर। ये ऐसे चला रहा है जैसे पता नहीं गुड़गांव में हम ना एम्बियंस मॉल या कहीं जा रहे हैं। भैया एम्बियंस मॉल में ट्रैफिक में ऐसे कटिंग मैं करता हूँ जैसे, ये देखिए 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 देख, घुसा दे घुसा दे, वो देखो और आगे से घुसा दे, कहीं भी मिस्टर जैकन वाली। भैया ये बचपन से ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, और बचपन से अमीन ये 8th क्लास से गाड़ी चला रहा है और ऐसी चला। तो मेरे से ज्यादा गंदी गाड़ी। हाँ मैं तो गंदी चलाता। अगर आप दुबई आते हो ना तो आपको पाम जुमेरा का पक्का पता होता है कि हमें पाम जुमेरा जाना है, और हमारे भाई ने पाम जुमेरा पे विला लिया हुआ है, जो अभी ने अभी एंट्रेंस देखी थी, सामने एकदम पूरा ओशन है, विला ही होटल है ये भाई, सब कुछ लग रहा है मुझे गाइस, ये प्रॉपर विला है। जैगे मुझे पिछले 10 दिन से बोल रहा था कि भाई आ जा, मैंने प्रॉमिस करा था दुबई विला टूर देंगे, विला के साथ में ही ये चेक करे भाई, मैं ऐवे 7 दिन वहां रुका था, मेरी पार्टी करने साइड पे होता है, डाउनटाउन साइड ना, कितनी बार बोला आखिरी दिन पे रिग्रेट कैसा लग रहा तुम्हें? भाई मुझे पहले दिन ही आके यहाँ पार्टी करनी थी, मैं शायद 1-2 दिन एक्सटेंड करा सकता हूँ। गाइस अब आपको विला की एंट्रेंस दिखाते हैं, ये चेक करें भाई कितने बेडरूम है? 5। ओहो प्लस बेसमेंट। रोज कितने बेडरूम चेंज करता है तुम सोने के लिए? वॉशरूम दूसरे वाले में जाता है। ये घुसते खाना इसको देख रहे, मेन लिविंग एरिया। ओहो हो हमने तो यही पार्टी गलत जगह करी, हम यही पार्टी कर लेते हैं।
यहाँ पे हम तो एवं रिजॉर्ट रिजॉर्ट कहते हैं भैया, अपना रिजॉर्ट तो यही है, मुझे तो नहीं वहाँ क्यों रुकवाया, लेमिनेशन क्यों ले रहा था, हम यही रुक जाते हैं। स्टोरी डालनी नहीं है ज्यादा तक, क्या जैकेट वाले को फॉलो करें, आ जाओ पानी पानी कहते जाओ जैकेट, जा कूद जा पानी में, क्या स्टोरी बनाते बनाते मैं पानी में कूद जाऊँ, बहुत ही ज्यादा सही है, मैं हफ्ता एक्सटेंड करा लेता हूँ भाई साहब, क्रेजी। So let's go to the terrace. Guys, आप लोग इस व्यू को, ओए होए होए होए, भाई तू पागल है, हमें अभी तो घुमा रहा है भाई, ये चेक करो यार। So guys, ये है Atlantis, ये Atlantis Royal जो नया वाला खुला है, उधर है वो देखो बुर्ज खलीफा, वो रहा बुर्ज अल अरब, वो पूरा आपका JBR ब्लू वाटर्स, एंड वहाँ पे भाई है दुबई आए, एक आजकल चलता नहीं है गाइस, हाउ मच रेंट आर यू पेइंग, तू बोल आई डोंट रेंट आई बाय हाउसेस इन दुबई। मैं ना स्टोरीज में इसके देखता था, मैं आउटडोर जकूजी है, देखो यहाँ पे जकूजी भी है, एंड वो जैकलिन की प्राइवेट दो बोट्स हैं भाई, मैं बता रहा हूँ एक यॉट ले ले बस, अभी गाड़ियां भी आ रही है गाइस, आपको गाड़ियां दिखा दो, क्रेज मेरे ऐसे दोस्त है बीच क्लब यार, तू यहाँ से व्यू भी एंजॉय कर सकता है बहुत गाइस, यहाँ पे अपना अलग पार्टी चलती होगी भाई, ये बंदा आते रील इन्फ्लुएंसर, सुबह उठते भाई दुबई में ना ऐसी मोटिवेशन चाहिए, उठो अपने रूम से और बाहर जाके, बस बाहर जाके आप वो वाला व्यू तो एंजॉय कर ही सकते हो, बट ये भी देख सकते हो आज पार्टी किसकी चल रही है, एटलांटिस उटलांटिस तो छोड़ो, सबसे पहले नीचे व्यू चेक करो, आज जाना है नहीं जाना पार्टी करने, मैं तो यही रुक के बैठा रहता भाई, लोग सनबेथिंग कर रहे होते, मैं आराम से चिल कर रहा हूं, दोनों रेस्टोरेंट्स में भी जा सकते हैं, हम यहां से चिड़िया देख सकते हैं ना, चिड़िया देख सकते हैं, बहुत चिड़िया है भाई, तो जिस चीज का इंतजार था भाई, धरती जा चुकी, उसकी तबीयत खराब थी, मतलब उसका इंतजार नहीं था, इंतजार ये था उसकी तबीयत खराब थी, अभी हम नीचे जा रहे हैं आप लोगों के लिए भाई, तड़कता भड़कता सरप्राइज है, अभी ये आधी फ्लीट है, बट देन ये आधी फ्लीट भाई 1000 के बराबर, इंडिया ले आए ये गाड़ी, जब बोले भाई एक बार पूरा प्रोसेस हो गया ना, फिर आराम से कर लेंगे, काफी लोग पूछ रहे थे भैया आप गाड़ी खरीद, भाई जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि गाड़ी खरीद के लाना डिफिकल्ट है, लेफ्ट हैंड राइट, राइट हैंड राइट, आप उसको 6 मंथ से कम टाइम के लिए इंडिया में ला सकते हो, बट 6 मंथ में आपको उसको वापस ले जाना पड़ेगा, उसके लिए दुबई का रेजिडेंट होना जरूरी है, और सपोज अगर अनून लेके आता है, जब तक गाड़ी इंडिया में है, अनून को भी इंडिया में रहना पड़ेगा, जिस चीज का इंतजार था बिग सरप्राइज हमारे सामने, तो जिन गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं भाई, दे आर वेरी यूनिक और इंडिया में तो बहुत ही कम है, सबसे पहले है लैम्बोर्गिनी उरुस, देन वी हैव द रेंज रोवर SVR, इंडिया में हम रेंज रोवर रेंज करते हैं भाई, ये SVR है, ये कार्बन फाइबर है पूरा, ये बेंटेगा W12, एंड ये है भाई, ये है एक्चुअल, मतलब घूमना है ना गैंगस्टर, ये देखो जाओ यार बैठो यार, पिक्चर पिक्चर देखे पार्टी करें, इतनी ज्यादा क्रेजी फील आती है, ये चेक करे भाई यार, दुबई ना इसी में घूमना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, एक बार कभी बन गए ना बड़े बिलियनर, इसी गाड़ी में घूमेंगे हम पूरा दुबई, पेंटले तो मैंने आप लोगों को दिखा दी भाई, एंड अब सुनाते हैं दो ऐसी गाड़ियां जो मैं कभी नहीं बैठा और पहली बार बैठने वाला हूँ, गाइस ये चेक करे, मतलब घुसते ही क्या ज्यादा तगड़ी फील आती है यार, ये चेक करो, एंड भाई ऐसा कुछ इसका कॉकपिट है, स्टार्ट करने के लिए फ्लिक करा एंड देन ये दबा, नेक्स्ट लेवल, तो इस पे अलग अलग मोड है, Strada Sport, आवाज एकदम चेंज, आई भाई नहीं, अब इसको अगर मैं नेवे पे डालूंगा ना, मैं नेवे इसका पूरा ऑफ रोड मोड है, उसमें गाड़ी ऊपर उड़ जाएगी, जैसे ही कॉर्से पे आएगी ना भाई, गाड़ी अपने आप नीचे हो रही है, इतना मतलब वो लैम्बोर्गिनी डायनामिक्स भरे हुए हैं, तो भाई इसका इंटीरियर चेक करें, पूरा स्पोर्टी इंटीरियर है, मस्त लग रही है, अभी इसको स्पोर्ट मोड पर लगाएंगे, वाह ओए होए 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 भाई, ओह यार मैं पता है इसको भगाने का ज्यादा मन कर रहा है, लग गया गियर भाई, ये पता नहीं क्या दबा रहा था, गाड़ी ऊपर नीचे हो जाती है इसके कारण, सबसे डिफिकल्ट है निकालना, उन्होंने सूत्र ना लेफ्ट देखा ना राइट, मैं चलाऊंगा भाई, इसमें आ रही है फील, में ये चीज है मजेदार भाई कौन सा मोड, ओ पड़ गई यहाँ पे Atlantis, ओए पागलो पागलो भाई, ओ भाई ओ भाई, हम SVR भी ले रहे थे, SVR आ गए भाई, उसमें मर्सिडीज के एकदम अलग पटाखे बजते हैं, इसके एकदम अलग और SVR के एकदम अलग बजते हैं,
पीछे खींचनी है और अभी जगह है नहीं। नहीं नहीं, उससे डबल इंडिकेटर नहीं बंद हो रहा, वो क्या करेगा? भाई उन्होंने डबल इंडिकेटर ऑन करके बैठा हुआ, उसको बंद ही नहीं करना आ रहा है। और उसमें अकेला निकल गया भाई। कैसा मजा आया भाई, कुत्तों की तरह चलाता, इंडिकेटर ऑफ कर देता, इंडिकेटर ऑन करे भाई पता ही नहीं चल रहा भाई, मन नहीं भर रहा इस गाड़ी से भाई, कसम से बता रहा भाई। हम लद्दाख के व्लॉग्स देख रहे हैं, क्या चल रहा है यार। हम हर बार सोचते थे कि इस बार लद्दाख नहीं जाएंगे, और दो साल से जा रहे हैं, हमने सोचा फिर से चलते हैं यार इसके बाद। सो गाइस, लास्ट नाइट इन दुबई, एक्टिंग कर रहे हैं फुल भाई। यहाँ पे हम लोग आराम से चिल कर रहे हैं, सुबह सुबह के पाँच नहीं बजे अभी, 4:20। हाँ विधि, आपका 6 बजे दिन खत्म होता है भाई, सुबह के 4:30 बजे है, 3:30 बजे की फ्लाइट है। क्या यार, मैं ना जाऊँ घर, ना जाऊँ मैं, सुबह साढ़े तीन बजे की फ्लाइट है, दोपहर को 3:30 बजे की, शाम की 3:30 बजे की फ्लाइट है। 5 बजे सोऊंगा तो 7 फ्लाइट की डेट शिफ्ट कैसे आप दे रहे हो? सरप्राइज कर दिया भाई, अनुनिया तू मेरे पैसे दे रहा है फ्लाइट के, बिजनेस क्लास। अगर अमृतसर जाना है बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास गाइस, अमृतसर हम बिजनेस क्लास से जाएंगे, देख ले।